subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the antifungal drugs and their mode of action. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में. एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाई यूजिंग दिस लिंक. सो नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो एंटी फंगल ड्रग्स मीन्स ऐसे ड्रग जिसको हम फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम इंटेक करते हैं, हम यूज़ करते हैं. मीन्स दिस ड्रग्स आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल और डीप और सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस. तो बात करें फंगल इन्फेक्शन की, तो ये आपके टॉपिकल या फिर आपके सुपरफिशियल भी हो सकते हैं, स्किन में भी हो सकते हैं, और ये आपके सिस्टमिक भी हो सकते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन में भी हो सकते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं. बात करें हम फंगल इन्फेक्शन की, तो फंगल इन्फेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक है आपका प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंड आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन. प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब है कि आप डायरेक्टली जो हैं आपको इन्फेक्शन हो किसी फंगस के थ्रू, और सेकेंडरी का मतलब है कि किसी डिसीज़ के कारण या ड्रग के कारण जो हैं आपको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हैं, इंसिडेंस चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं, उनको हम सेकेंडरी में रख सकते हैं. जैसे कि बात करें हम लोग कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो आपके, या फिर एड्स कंडीशन पे हो, टीबी कंडीशन पे हो, या फिर कैंसर कंडीशन पे हो, या एंटी कैंसर ड्रग थेरेपी हम ले रहे हैं उस कंडीशन पे हो, डायबिटीज कंडीशन पे हो, जिनमें आपके जो इम्यून सिस्टम है, होस्ट डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत ही लॉस हो जाता है. उस वजह से जो है आपका जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं बढ़ जाते हैं, उनमें हम उनको जो उनके लिए जो है आपके फंगल इन्फेक्शन जो है प्रोन चांसेस होते हैं. तो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन आर लिंक्ड और एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ वेरियस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दैट इज इम्यूनो सप्रेसेंट, एज वेल एज इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स लाइक एंटी कैंसर ड्रग्स एंड अदर्स, एंड सम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिसीज लाइक एड्स एंड सम अदर लाइक्स डायबिटीज एंड अदर्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ होस्ट डिफेंस सिस्टम. तो इन डिसीज पे या इन ड्रग लेने के कारण जो है हमारे बॉडी के अंदर में जो होस्ट डिफेंस सिस्टम है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, वो लॉस हो जाते हैं, जिससे जो है कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासकर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दिस आर बेसिक थिंग्स. तो बात करें हम उसके ड्रग की इन्वेंशन की, तो ये 1950s से स्टार्ट हुआ था. तो इसके लिए जो पहला जो ड्रग मार्केट में आए थे वो है आपका एम्फोटेरिसिन बी, जो कि आपके सिस्टमिक माइकोसिस के लिए यूज़ किया गया था, और सेकेंड आपका ग्रेसियोफिलविन, ये बेसिकली आपके डर्मेटोफाइटिस के फाइट्स के अगेंस्ट में यूज़ किए थे 1960s पे. उसके बाद 1970s पे जो है आपके फ्लू साइटोसिन ड्रग जो है इसका एंटी फंगल जो एक्टिविटी है या प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्व किया गया था. उसके अलावा फिर आपके इमिडाजोल्स डेरिवेटिव्स हैं वो आपके 1970s पे, मिड 1970s पे डिस्कवर हुए थे. उसके बाद आपका जो ट्रायाजोल्स हैं, जो इमिडाजोल का ही पार्ट्स हैं, एजोल्स का ही पार्ट्स है, वो आपके 1980s पे ही डेवलप हुए थे. तो दिस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द एंटी फंगल ड्रग्स. अगर आप एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ रहे हैं तो आप जो हैं सर्च कीजिए कौन कौन से फंगल स्पीसीज हैं और वो कौन कौन से डिसीज़ कॉज कर सकते हैं. हम अगले वीडियो में भी उसके बारे में बात करेंगे, हम उसको लिंक दे देंगे, हमारे मेरे पास नोट्स है उसका, ताकि आप उसको भी देख सकें कि कौन कौन से जो डिसीज़ हैं या कौन कौन से जो फंगस हैं वो कौन कौन से डिसीज़ कॉज करते हैं. नाउ कम टू द बेसिक ड्रग क्लासेस ऑफ द एंटी फंगल ड्रग्स. तो फर्स्ट इज द एंटीबायोटिक्स, मीन्स हम एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं. एंटीबायोटिक्स मीन्स द ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे किल और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगल्स. सो द फर्स्ट इज द पॉलीइंस लाइक एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टाटिन. जो मेन ड्रग है आपके पूरे एंटी फंगल का पहला है आपका एम्फोटेरिसिन बी, सेकेंड आपका हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरिन एंड द ड्रग इज ग्रेसियोफिलविन. सेकेंड इंपॉर्टेंट ड्रग है आपका ग्रेसियोफिलविन. तो सारे ड्रग में जो तीन चार ड्रग हैं इंपॉर्टेंट हैं, जो कि फार्माकोलॉजी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं या वो आपको जानना जरूरी है. एंड नेक्स्ट इज द इकिनोकिनाइड्स, जो कि आपका कैस्पोफ्यूजिन और माइकोफ्यूजिन, ये आपके ड्रग हैं. सेकेंड है आपका एंटी मेटाबोलाइट्स, मीन्स आपके जो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स हैं, जो कि मेटाबॉलिक पाथवे हैं उनके एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, वैसे ड्रग को हम बोलते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स. एंड द ड्रग इज द फ्लू साइटोसिन. एंड नेक्स्ट इज द एजोल्स फैमिली. तो एजोल्स बहुत सारे ड्रग आते हैं, इसमें सिस्टमिक लोकल भी होते हैं. तो इसके लिए बात करते हैं, पहला है आपका इमिडाजोल डेरिवेटिव्स एंड द ड्रग्स आर द सिस्टमिक ड्रग्स आर द कीटोकिनाजोल. तो हम इस पूरे जो ड्रग हैं उसमें हम कीटोकिनाजोल को ही आपके लेते हैं जनरली आपके बाय द सिस्टमिक रूट, ठीक है. उसके अलावा जो आपके जो टॉपिकल रूट हैं उससे हम लेते हैं कोट्रिमोक्साजोल, आपके इकोनाजोल, माइकोनाजोल, ठीक है, ये सब हम लेते हैं आपके
टॉपिकल रूट से, लेकिन हम किटोकोनाजोल को भी टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं। किटोकोनाजोल का जो है बेसिकली आपके किटोटीमैक या किटोमैक का आपके क्रीम भी आते हैं, इसके शैम्पूज भी आते हैं, तो इसको हम टॉपिकल भी ले सकते हैं। हम बेसिकली जो फंगल इन्फेक्शन है उसके अलावा जो डेंड्रफ्स हैं उसके लिए भी हम किटोकोनाजोल को भी यूज़ करते हैं। आप जितने भी देखे होंगे आपके रिंग वर्म है, मतलब आपके जितने भी जो आपके एंटी फंगल ड्रग्स आते हैं मार्केट में जो भी टॉपिकल होते हैं, जैसे कि आपका रिंग गार्ड है, इच गार्ड है, आपके सल्फ्राज एन है, बहुत सारे ड्रग आते हैं जो हम बेसिकली यू फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं हमने डेली लाइफ में। तो बेसिकली नेक्स्ट ड्रग है आपका ट्रायाजोल्स। ट्रायाजोल्स बेसिकली कंटेन्स द वेस्ट ड्रग्स लाइक फ्लोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और वोरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल। इट्राकोनाजोल का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, इसको हम ड्रग लेते हैं, इसका भी हम जो जो ओरल रूट से हम ड्रग लेते हैं इसको भी, और ये करीबन जब आपको फंगल इन्फेक्शन होता है, आज हम खासकर इस इरा पे मतलब 19-20 पे, 2019 और 2020 पे, तो फंगल इन्फेक्शन जिनको हो रहा है वो बहुत लॉन्ग समय तक हो रहा है, वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो है हमको पहले कंडीशन पे 1 हफ्ता की थेरेपी होती थी इजीली, और आप या सिंपली जो है आप टॉपिकल से भी ठीक कर सकते थे आपके फंगल इन्फेक्शन को, जो आपके दाग होते हैं आपके बॉडी के बॉडी सरफेस पे। लेकिन आज की डेट पे जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं और हमको लॉन्ग थेरेपी लेना पड़ता है। करीबन करीबन 1 महीने तक का डोज चलता है आपका अप्रोक्सीमेटली, साथ में आपको क्रीम भी लगानी पड़ती है। ये थोड़ा सा डिसीज जो है थोड़ा सा हाईली रजिस्टर हो रहे हैं धीरे धीरे। एंड नेक्स्ट इज द एलाइलामिन। द ड्रग इज टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ द एंटी फंगल ड्रग्स एंड दैट मे यूज फ्रिक्वेंटली इन द फंगल इन्फेक्शन। एंड नेक्स्ट इज द टॉपिकल एजेंट्स, मीन्स इसको हम टॉपिकली ही ले सकते हैं। जैसे कि बात करें टोलनाप्टेट, आपके बेंजोइक एसिड, ब्यूटेनाफिन और सिक्लोपाइरोक्स ओलामिन। सो दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। नाउ कम टू द बेसिक मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग। तो बेसिकली ये आपके जो फंगल इन्फेक्शन है या फंगल जो स्पीसीज है उनके जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें बेसिकली आपको एल्गोस्ट्रॉल कंटेंट रहते हैं, तो किसी तरह हम सेल एल्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम कर सकते हैं या स्ट्रक्चर को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हम उसके सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, और सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने के कारण जो है वो फंगल इन्फेक्शन जो है कम हो सकते हैं, या फिर उसका जो सेल सेल है आपके फंगस का वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो उसकी जो थेरेपी है वो वही हो सकती है। तो बात करें हम कुछ बेसिक पाथवे की, तो पहला आपका मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द एगोस्ट्रॉल। एगोस्ट्रॉल कैसे बनता है? तो बेसिकली एगोस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज फ्रॉम द स्क्विलिन। स्क्विलिन कन्वर्ट्स इनटू द स्क्विलिन इपोक्साइड विद द प्रेजेंस ऑफ स्क्विलिन इपोक्साइडेज, एंड दिस एंजाइम बेसिकली इन्वेट बाय द टर्बिनाफिन। तो टर्बिनाफिन जो है बेसिकली इस पाथवे को ब्लॉक करता है, जिससे जो है जो भी ये पाथवे हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है स्क्विलिन इपोक्साइड फर्दर कन्वर्ट्स इनटू द लेनोस्ट्रॉल, देन फर्दर कन्वर्ट्स इन द इर्गोस्ट्रॉल विद द हेल्प ऑफ लेनोस्ट्रॉल 1,4-डाइमिथाइलेज एंजाइम। एंड एजोल्स मीन्स जितने भी आपके एजोल्स हैं, चाहे ये आपके इट्राकोनाजोल हो, किटोकोनाजोल्स हो, ये सब जो हैं आपके लेनोस्ट्रॉल 1,4-डाइमिथाइलेज एंजाइम का इनहिबिटर्स हैं। दे इनहिबिट दिस एंजाइम एंड फर्दर कन्वर्जन ऑफ लेनोस्ट्रॉल टू इर्गोस्ट्रॉल। फाइनली दे इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ द इर्गोस्ट्रॉल, मतलब ये आपके इर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं आपके एजोल्स, उसके अलावा टर्बिनाफिन। तो आपके जैसे कि हम ये बेसिक सेल स्ट्रक्चर दे सकते हैं आपके फंगल का, ये आपके ई सी एफ है या आपके आई सी एफ है, ये इंट्रा सेलुलर्स हैं या आपके एक्स्ट्रा सेलुलर्स हैं। तो बेसिकली ये आपके प्रोटीन्स हैं या आपके जो कुछ चिटिन प्रोटीन्स हैं, आपके बीटा ग्लूकेन है, ये आपके सेल वाल है, आपके सेल मेम्ब्रेन है जिसमें बाई फॉस्फेट लेयर लिपिड होते हैं, इसमें जो है आपके ये आपके इर्गोस्ट्रॉल्स होते हैं, ये आपके बीटा ग्लूकेन सिंथेस कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि बीटा ग्लूकेन को बनाते हैं। तो अल्टीमेटली जो आपके एम्फोटेरिसिन बी है, एम्फोटेरिसिन बी भी आपके एग्रोस्ट्रॉल पे ही काम करता है, वो एग्रोस्ट्रॉल्स पे बाइंड करके एक पोर डेवलप करता है। ये पोर जो डेवलप करने के कारण जो है इनमें जो आपके सेल्स के अंदर में जो कैटायंस हैं या आयंस हैं, जो मोनोवेलेंट्स आयंस हैं, चाहे आपका क्लोराइड हो, आपके हाइड्रोजन्स हों, आपके सोडियम्स हों, पोटेशियम्स हों, वो लीक होते हैं। लीक होने के कारण जो है वो सेल लाइसिस होता है, ब्रस्ट हो जाता है, और आपको जो सेल्स हैं वो डेथ हो सकते हैं। तो इस तरह से ये एम्फोटेरिसिन बी काम करता है। नेक्स्ट इज द कास्पोफ्यूजिन। तो बेसिकली कास्पोफ्यूजिन जो है आपके बीटा ग्लूकेन सिंथेस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है, और अल्टीमेटली बीटा ग्लूकेन के फॉर्मेशन को कम करता है, उससे सेल वॉल भी डिस्टर्ब होगा और अल्टीमेटली सेल डेथ होगा। तो अल्टीमेटली जितने भी ड्रग हैं वो कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पे ही काम करते हैं। जो मेन ड्रग हैं सारे वो इग्रोस्ट्रॉल पे ही काम करते हैं, क्योंकि इग्रोस्ट्रॉल इज द मेन कंटेंट ऑफ द सेल वॉल, लाइक बैक्टीरियल कंटेंट्स पेप्टाडोग्लाइकन, आपके माइकोबैक्टीरियम कंटेंट्स माइकोलिक एसिड। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ द एंटी फंगल ड्रग्स एंड द क्लासिफिकेशंस एंड द बेसिक मोड ऑफ एक्शन। एंड इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक स्क्रीन शॉट।
एंड ऑल दिस लेक्चर इज कमिंग फ्रॉम द क्रेडिट। हम सारे भी वीडियो हैं, ये वीडियो जो है खासकर हम कम्प्लीटली क्रेडिट से ही लिए हैं, क्रेडिट थर्ड पार्टी से लिए हैं, तो आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड इन माई अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस द ड्रग फार्माकोलॉजी ऑफ द एंटी फंगल ड्रग। सो लास्ट थैंक यू, कीप वॉचिंग।